28,000 रुपए में जोड़ी है। हाँ जी सर। तो 56,000 रुपए हुए सर जी। बिल्कुल डिस्काउंट डलेगा जी। हाँ जी सर जी। 1100 रुपए उसका मान सम्मान करेंगे। 1100 रुपए ये जो आपने बताया था गाड़ी के साथ भिजवाने वाले। साथ में भिजवा देंगे। साथ में भिजवा दोगे? नगद जाएगा ये? इनके साथ में 2100 रुपए छोड़ देंगे। अच्छा दोनों के साथ 2100 रुपए। तो ये तो फिर 26,000 रुपए की होगी। कोई बाइक लेगा तो उसको 2100 रुपए का मान सम्मान कर देंगे, इससे कम नहीं करेंगे। अच्छा दोनों गायों में 2100 रुपए कम कर दोगे। सुरेंद्र जी भाई साहब राम राम जी। राम 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 भाई साहब। क्या हाल चाल है भाई साहब? बढ़िया जी भाई साहब। जय गो माता। जय गो माता। सभी यूट्यूब देखने वाले भाइयों को राम राम। जय गो माता। जय गोपाल भाई साहब। आज कितनी गायें दिखाओगे जी इस वीडियो सर में? सर जी आज 4 गो माता दिखा रहे हैं जी। 4 गाय दिखा रहे हो? हाँ जी। इन चारों के बारे में आपसे पूरी डिटेल लेंगे। हाँ जी सर जी। और व्यूअर्स के साथ एक एक गाय के बारे में पूरी डिटेल साझा करेंगे, आपसे कीमत भी जानेंगे। हाँ जी सर। एक एक गाय को चलाकर भी देखेंगे परखेंगे। ठीक है सर। पूरी परख के बाद आपसे कीमत भी इनकी जानेंगे। अंत तक व्यूअर्स आप भी वीडियो में बने रहिएगा। शानदार गायें हैं और उम्मीद करेंगे कीमत भी भाई साहब की गायों की रीजनेबल रहेगी। सबसे पहले अपना यहाँ का एड्रेस बता दो जी भाई साहब। सर जी अपना गांव का नाम है 10 से छोटी, जिला व तहसील श्री गंगानगर, राजस्थान का सर जी एरिया है। ठीक है। और अपना कॉन्टेक्ट नंबर है 9839-49-071। ठीक है। ये नंबर मैं स्क्रीन पर मेंशन कर रहा हूँ। व्हाट्सएप पे भी है सर जी, कॉलिंग पे भी है। ठीक है भाई साहब। व्यूअर्स इन नंबरों पर संपर्क करके भाई साहब से पूरी जानकारी ले सकते हैं आप। गाय शानदार है, अच्छी कदकाठी की है, ब्याई भी है। सामने गाय दिखाई दे रही है, इस गाय को आपको चलाकर भी दिखाऊंगा। आप अंत तक वीडियो में बने रहेगा। स्वभाव भी आप रख सकते हैं। कौन सा ब्यांत है जी भाई साहब? सर जी फर्स्ट ब्यांत है, मुंह से 2 ही दांत है। पहला ब्यांत है सर। पहले ब्यांत वाली गाय बहुत पसंद करते हैं जी। सर जी फर्स्ट ब्यांत है, मुंह से 2 ही दांत है। क्योंकि पहले ब्यांत में कोई झूठ तो होता नहीं है। नहीं सर जी, वो तो नहीं तो दूसरे ब्यांत वाली को, तीसरे वाली को, चौथे वाली को, सबको दूसरे ब्यांत की बताते हैं। सही है सर जी। कोई 10वें ब्यांत की है उसको भी दूसरे ब्यांत की बोल देते हैं। सर जी देसी गौ माता है, 20-20 ब्यांत जनती है। अच्छा देसी गौ माता क्या है, 20 ब्यांत तक जनती है। हाँ ठीक है। और जो HF होती है वो तो 6 ब्यांत के बाद तीसरे चौथे ब्यांत में ही बूढ़ी हो जाती है। बूढ़ी हो जाती है क्योंकि दूध इस तरीके से निकाला जाता है उनका जैसे मशीन हो। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। उनका कैल्शियम डाउन होने से हड्डियाँ खत्म हो जाती है। हड्डियाँ खत्म हो जाती है, टूट जाती है 4-5 ब्यांत के बाद ही। और ये 20 ब्यांत तक दूध देती रहती है। बिल्कुल सर जी, 20 ब्यांत खुला ब्याती है, इसीलिए जवान दिखती रहती है 20 ब्यांत वाली भी गाय। बिल्कुल सर जी। कंप्लीट डिटेल दे दो जी। दूध अभी खीस के रूप में कितना तैयार है जिस गाय का? सर जी 12 लीटर खीस तैयार है अभी। हाँ और आज तीसरा दिन जन्नी को है। तो 12 लीटर आप बता रहे हो, ये वाला अगर कोई मिल्किंग देखना चाहे दूध? सर जी लाइव देखना चाहे तो अपने को वीडियो कॉल पे देखा सकते हैं। हाँ। यदि कोई भाई इधर आके लेके जाना चाहता है तो उससे तो बढ़िया कोई चीज ही नहीं है सर जी। सबसे बड़ी तसल्ली तो ये जी खुद आके निकाल ले। सर जी खुद आके निकाले, ऑफलाइन का काम सबसे बढ़िया है। ऑफलाइन का कहने का मतलब आपका ये जी आपके घर पे आ जाए? बिल्कुल सर जी, आके 2-3 टाइम निकाल के लेके जाए। तो घर पे आ जाए तो रहने सहने की, रहने खाने पीने की सुविधा हो जाएगी ना जी? खाने पीने की सब व्यवस्था है सर जी। सब व्यवस्था हो जाएगी। ये इसके पीछे सर जी बछड़ा है। अच्छा मेल काफ है। हाँ जी। तो ये दूध कितना बना लेगी जी इस ब्यांत में? ये सर जी डाल देगी 14-15 लीटर। 14-15 लीटर। हाँ जी। कीमत भी बता दो जी भाई साहब। इसकी कीमत सर जी 42,000 रुपए। 42,000 रुपीज सर जी। लेने देने वाली है, सच्चा कीमत बता दो जी। लेने देने वाले 1000-1500 रुपए उसको छोड़ कर देंगे। अच्छा और भी छूट कर दोगे? हाँ जी 1000 रुपए। 41,000 से कम में दे दोगे? दे देंगे सर। और 40 में कोई लेना चाहे तो जी? दे देंगे सर जी, 40 में जो मांगेगा उसको 40 की दे देंगे। अच्छा 40 में भी दे देंगे? दे देंगे सर जी। सबको खुश करोगे? हाँ जी सर जी। कोई भाई ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई नाराज हो जाए। हाँ अपने को सभी को खुश रखना है बस। पैसे की क्या सर जी, पैसा आता जाता रहे, आता जाता रहे। गौ माता की सेवा करे इससे बढ़िया कोई चीज? बहुत ही बढ़िया है जी। 1000 रुपए कम कमा लेंगे संतुष्टि रहेगी। सही है सर जी। कि गाय एक अच्छे घर में पहुंच गई है। बिल्कुल सर। सबसे बड़ी प्राथमिकता ही होनी चाहिए गाय अच्छे घर के अंदर चली जाए। अच्छे घर में जाए तो 1000 रुपए कम कमाया भी समाए। हाँ जी बिल्कुल सर जी। दूसरी गाय भी दिखा दीजिए भाई साहब। सर जी ये दूसरी बार जनेगी। नस्ल भी बता दो जी भाई साहब। ये सर जी राठी नस्ल की है, मीणी गाय। मीणी गाय। ये मीणी गाय, ये देखो सर जी सींग हिल रहे हैं इसके। अच्छा ये सींग हिल रहे हैं। मीणी गाय की यही खासियत होती है सर जी, जो सींग हिलते हैं वही मीणी गौ माता होती है। अच्छा जिस गाय के सींग नीचे घूमे और हिलने लग जाए वो मीणी गौ माता होती है, उसी को मीणी कहते हैं। और सर जी एक ही सींग हिलता है, दोनों सींग नहीं हिलते कभी। अच्छा उस गौ माता के ये देख सकते हैं आप, दोनों नहीं हिलते। एक ही सींग हिलेगा वही मीणी गौ माता होगी। अच्छा
हाँ जी, और ठंडी बिल्कुल सील स्वभाव में दूसरे ब्यांत में जनेगी सर। दूसरे ब्यांत में? हाँ, 8 मंथ की प्रेग्नेंट है। हाँ, 1 महीना और ले जाएगी। हाँ जी सर जी। तो पहले ब्यांत का दूध ही बता दो जी। सर जी, पहले ब्यांत में इसने दिया 12 लीटर मिला। 12 लीटर? हाँ जी। तो अभी कितना उम्मीद करोगे आप? सर जी, 13-14 लीटर दूध खुला दे देगी। 14 लीटर? 6, 6.5 लीटर, 7 लीटर तक। हाँ जी, एक टाइम का दूध निकाल देगी सर जी। ठीक है, आई टू इट से ही सर जी आपको पता चल रहा होगा। कीमत क्या रखोगे जी भाई साहब? सर जी, इसकी कीमत है लेने देने वाली 28,000 रुपए। 28,000 रुपए? हाँ जी। 28,000 रुपीज? हाँ जी सर जी। 28,000 रुपए में गाय दे रहे हो जी? बिल्कुल सर जी, ऐसा नहीं है कि गाय नहीं है ये। हाँ। एक तोहफा ही है सर जी। हाँ। ऐसे समझो जो बंदा ले जाके इसकी सेवा करेगा ना। हाँ। जिंदगी में याद करेगा कि भाई मेरे को गौ माता दी है। 28,000 रुपए में? हाँ जी सर जी। जहाँ मर्जी बच्चे भी खेलते रहेंगे ना। हाँ। तो सर जी ऐसे नहीं है पैर उठा देगी। इतनी ठंडी गौ माता आप देख सकते हैं। स्वभाव तो खुद परख सकते हैं, स्वभाव बड़ा ही प्यारा है इस गाय का। बहुत शानदार स्वभाव की गाय है ये। तीसरे नंबर पे गाय है, जिसकी भी डिटेल दे दो जी। सर जी, ये दूसरी बार जनेगी। हाँ ठीक है। हाँ। दोनों टाइम का लगभग ये दूध रखेगी 12 लीटर। 12 लीटर एक टाइम का? नहीं, दोनों टाइम। दोनों टाइम का? हाँ जी सर। 6-6 लीटर? हाँ जी। फर्स्ट ब्यांत में इसने 10 लीटर मिल्क दिया है। अच्छा, तो इस बार 12 लीटर 12 पे चली जाएगी। बिना सींग वाली है ये भी? हाँ जी सर जी। ठीक है जी भाई साहब, कंप्लीट डिटेल दूध का बता दिया है। जाने में दिन कितने और बचे हैं जी? सर जी, 7 मंथ प्रेग्नेंट है। दूसरी बार जनेगी। हाँ। कीमत है सर जी इसकी भी 28,000। इसकी भी 28,000? हाँ जी सर। 28,000 रुपए में जोड़ी है? हाँ जी सर जी। तो 56,000 रुपए हुए सर जी। बिल्कुल। डिस्काउंट डलेगा जी कुछ? हाँ जी सर जी, 1100-1100 रुपए उसका मान सम्मान करेंगे। 1100-1100 रुपए? ये जो आपने बताया था गाड़ी के साथ भिजवाने वाले? साथ में भिजवा देंगे सर जी। साथ में भिजवा दोगे? नगद जाएगा ये? इनके साथ में 2100-2100 रुपए छोड़ देंगे सर। अच्छा, दोनों के साथ 2100-2100? 2100-2100 रुपए छोड़। तो ये तो फिर 26,000-26,000 रुपए की होगी जी सर। कोई भाई लेगा तो उसको 2100-2100 रुपए का मान सम्मान कर देंगे, इससे कम नहीं करेंगे। अच्छा। हाँ। दोनों गायों में 2100-2100 रुपए कम कर दोगे? बिल्कुल। ये कम ही हो गया जी? बिल्कुल, मान सम्मान हो गया। तो अगली गाय बताइए जी। सर जी, एक गिर नस्ल की है। 8 मंथ की प्रेग्नेंट है। दूसरी बार अभी बच्चे को जन्म देगी। ये 15-16 लीटर मिलकर रखी। बिल्कुल ठंडे सील स्वभाव में है सर। ठीक है, आप देख सकते हैं जानवर भी इसकी देख सकते हैं कितनी अच्छी है। ठीक है, बिल्कुल ठंडे सील स्वभाव में है। पैर उठाएगी जी? नहीं सर जी, पैर नहीं उठाएगी ये। हाँ। ये आप देख सकते हैं सर जी, पैर तो उठाने का कोई मतलब ही नहीं है। हाँ। इससे ज्यादा ठंडा क्या होगा सर जी? थन बहुत सुंदर है जी इसके। गुलाबी थन है सर? गुलाबी थन है। असलियत में गुलाबी है, जो गुलाबी कहते हैं वो गुलाबी नहीं है। ये देख सकते हैं सर जी, ओरिजिनल में गुलाबी थन है सर जी। बिल्कुल बराबर आंचल है, गुलाबी थन है। तो ये गिर के लिए जैसे मुंह फाड़ के कीमत मांगते हैं वैसी कीमत मांगोगे? नहीं सर जी, बिल्कुल रीजनेबल कीमत मांगेंगे। रीजनेबल मांगोगे? डिटेल पूरी दे दो जी। दूध कितना बना लेगी? ये डाल देगी सर जी 15-16 लीटर दूसरे ब्यांत में खुला दूध। 15-16 लीटर तक पक्का डाल देगी। पहले ब्यांत में कितना दिया भाई जी इसने? इसने 14 लीटर दूध दिया सर जी। 14 लीटर पहले निकाला हुआ आपने। और कीमत भी सर जी बिल्कुल जायज है। कीमत बता दो जी। 58,000 रुपए है सर। 58,000 रुपीज? जी। तो इसमें भी ये 2100 वाला? नहीं सर जी, इसमें 1100 करेंगे। इसमें 1100 करेंगे? इसमें 1100 करेंगे। इसमें कम करेंगे? हाँ जी, इसमें सिर्फ 1100 रुपए का मान सम्मान करेंगे सर जी। चीज है एक। हाँ। आप देख सकते हैं बिल्कुल ठंडे सील वाला झालर भी देख सकते हैं। हाँ। उभरा हुआ सर जी माथा भी देख सकते हैं। उभरा हुआ गोल माथा है। हाँ जी। और लंबे कान है। हाँ जी। पूंछ के बाल काटे हुए हैं जी आपने? सर जी, ये क्या अपने जिस किसान से लेके आए थे ना, उन्होंने काट दिए थे। अच्छा, कुछ शौकीन किसान होते हैं। हाँ। वो सजावट में ज्यादा विश्वास रखते हैं, सजा के रखते हैं। हाँ, अपने नहीं काटे, उन्होंने ही काटे हैं। उन्होंने ही काटे हुए हैं। हाँ। तो ये किसान के घर की गाय है? हाँ जी, किसान के, सीधा किसान। ठीक है जी, आपने 58,000 रुपए कीमत बताई है। हाँ जी। और 1100 रुपए का आप कह रहे हो मान सम्मान करेंगे? ये गाड़ी के साथ में भेजेंगे? गाड़ी के साथ में भिजवाओगे? तो गाड़ी के साथ में खाने पीने का सामान भी भिजवाते हो जी? सर जी, गाय के रस्ते का? सर जी, जैसे पंजाब हरियाणा जाती है, यूपी साइड में जाती है, तो सर जी क्या है, एक नाइट के बाद उतर जाती है। अच्छा। तो नहीं भिजवाते, जैसे महाराष्ट्र जाती है, एमपी जाती है, तो 2-3 दिन में उतरती है ना। हाँ। उसके साथ में चारा भी डालते हैं। हाँ। कैल्शियम भी गाय को देते हैं। हाँ। और जो खड़ होता है, चोकर होती है, वो भी देते हैं सर। उसका पूरा सामान हम साथ में देके भेजते, खाने पीने का सामान साथ में भिजवा देते हो। हाँ जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब, बहुत शानदार गाय दिखाई है। आशा और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी आप ऐसी शानदार गायें इसी तरीके के रीजनेबल प्राइस में दिखाएंगे। आज जो ये दो गाय दिखाई है जी आपने, 28,000 में मांगे हैं और 2100-2100 का सम्मान करेंगे सर जी। तो 26-26 की पड़ी जी। हाँ जी सर। ठीक है भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत शानदार गाय दिखाई है।
अगले वीडियो का फिर से इंतजार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। राम राम जी। राम राम। जय गो माता। जय गोपाल।